अपने घर में पधराते हैं तब उसकी आभा उसका लावण्य कुछ और होता है। और जो जो आप उसकी सेवा करते जाते हैं, जो जो आपके प्रेम से वो विग्रह है, वो भाव पुष्ट होता जाता है, उसका प्रकाश उस शिव विग्रह पर प्रकट होता चला जाता है। उस सुंदर सलोनी मूरत को देखकर तो आज मानो मीरा जी को लगा कि वो जो अपरिचित था, वो जो कभी मुझे किसी अज्ञात पथ पर किसी आनंद समुद्र में ले जाकर गोता लगवा दिया करता था, आज मानो वो साकार हो गया। जो कभी मेरे भाव में था, जो कभी चिंतन में था, शायद जो मुझे जानता था लेकिन मैं उसे नहीं जानती थी, जिसकी दृष्टि मुझ पर थी लेकिन मेरी दृष्टि से शायद अछूता था, आज जो ही संत का हाथ सिर पर पड़ा, आवरण भंग हुआ और मीरा और श्याम सुंदर का प्रथम मिलन उस संत के सानिध्य में, उस संत के संतत्व की कृपा से संपादित हुआ। मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे मनमोहना हे मुरलीधरा, प्रसाद देते ही संत ने मधुर मधुर स्वर में स्वभाव से, सहज स्वभाव से स्तुति आरंभ की। वंशी विभूषित करान नवनीर दावा, पीतांबराद मधुर बिंब फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात, कृष्णात् परम किमपि तत् त्वमहं न जाने, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम असितम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम, चलितम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। हे मनमोहना हे मुरलीधरा, संत की कृपा से, किसी संत के प्रसाद से भगवत दर्शन होता है तो वो आनंद हृदय में सुस्थिर हो जाता है। तो आज संत की कृपा से ये मधुर मिलन हुआ, मानो जन्म जन्म का कोई बिछड़ा मिला हो, मानो कोई चिर पुरातन संबंध आज फिर किसी ने कृपा करके, आज मानो फिर से मीरा का हाथ
किसी संत ने कृपा करके श्याम सुंदर के हाथ में थमा दिया हो। मीरा आनंदित है, प्रफुल्लित है, और आज मीरा जी के इसी आनंद और प्रफुल्लता के साथ श्याम सुंदर के उसी त्रिभंग ललित सुंदर मनमोहन स्वरूप का चिंतन, दर्शन और आस्वादन करते हुए आज के भाव को यहीं पर विराम दूंगा। कल आज प्रथम दिन था, थोड़ा सा विलंब हुआ। कल ठीक 3:15 बजे यहाँ हरिनाम आरंभ हो जाएगा और 3:30 बजे यहाँ मैं उपस्थित हो जाऊंगा सेवा करने के लिए। आज थोड़ा सा समय अधिक हुआ, मैं क्षमा चाहता हूँ। कल ठीक 3:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय रहेगा। इसी भाव के साथ आप सबके हृदय प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ।